पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बागबड़ा के डॉक्टर अतीकुर रहमान से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की साजिश झोला छाप शाहरुख ने अपने तीन दोस्त जुनैद, जीशान और मोहम्मद सैद के साथ मिलकर की थी। जुनैद और जीशान सगे भाई हैं और वो बागबड़ा क्षेत्र में ही सैनिटरी की दुकान चलाते हैं। पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि मोहम्मद जैद की तलाश की जा रही है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि बागबड़ा में दिल्ली रोड स्थित खैरुलनिशा मंजिल निवासी डॉक्टर अतीकुर रहमान कैलसा रोड पर अलशिफा नाम के नर्सिंग होम चलाते हैं। उन्होंने मंगलवार को बागबड़ा थाने में केस दर्ज कराया था, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि रविवार की शाम करीब 6 बजे वो नर्सिंग होम में अपने चैम्बर में मरीज देख रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रकम न देने पर डॉक्टर और उनके बेटे की हत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस ने रंगदारी मांगने में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर को सर्विलांस टीम की मदद से ट्रेस किया है। ये थाना पागबाड़ा पर एक सूचना प्राप्त हुई थी हमको कि कैलसा रोड पर एक अलशिफा हॉस्पिटल के जो ओनर हैं डॉक्टर अतीकुर रहमान पुत्र मुजाहिर हुसैन, उनसे फ़ोन पर किसी व्यक्ति के द्वारा उनके बेटे को मारने की धमकी देके उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। करीब 20 से 25 लाख रुपयों की डिमांड इनसे की गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने, थाना पागबाड़ा पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया और इसमें तेज़ी से काम किया गया। इसमें हमारी सर्विलांस की टीम ने भी काफ़ी मेहनत की इसमें, और इसमें तीन अभियुक्त जो इसमें शामिल थे वो गिरफ्तार किए गए हैं। एक अन्य अभियुक्त अभी शेष है। जो तीन अभियुक्त जिनके नाम इसमें आए थे, जिनकी गिरफ्तारी की गई है, उसमें से पहला व्यक्ति जुनैद है। ये मालीपुर का रहने वाला है, थाना पागबाड़ा का, और इसका भाई जीशान ये भी मालीपुर का है, और इनका दोस्त है शाहरुख जो रतुपुरा थाना असमौली जनपद संभल का है। एक अन्य व्यक्ति मोहम्मद जैद जो इनके साथ शामिल था, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। इनके कब्जे से दो अवैध तमंचे बरामद हुए हैं और वो दो फ़ोन, एक आईफोन और एक अन्य फ़ोन जो इन्होंने इस घटना में यूज़ किया था, वो बरामद हुआ है, और इसके अलावा अन्य फ़ोन भी इनसे बरामद हुए हैं। पूछताछ में इनके द्वारा ये बताया गया कि जो शाहरुख है, इसके पिता का ये डॉक्टर अतीकुर रहमान, इनके हॉस्पिटल में इलाज हुआ था पहले, तो इनको पता था कि अतीकुर रहमान अच्छे खाते पीते व्यक्ति हैं और इनसे ये लोग कुछ पैसा ऐंठ सकते हैं। इसीलिए इन्होंने ऐसी योजना बनाई और ये सभी लोग उसमें शामिल हुए। इन्होंने एक नया छोटा एक मोबाइल लिया और एक जीशान के नाम से एक सिम इन्होंने लिया और उससे इन्होंने इसको कॉल किया और उससे पैसों की डिमांड की। इसके बाद इन्होंने एक दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करके, जो आईफोन था, उससे इनके बेटे का एक फ़ोटो भी इनको सेंड किया कि इस बेटे को हम लोग मार देंगे, नहीं तो आप हमको पैसे दीजिए। इस प्रकार पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है और एक महत्वपूर्ण सफलता पुलिस को हासिल हुई। इसमें एएसपी साहब, हमारे सिपाही भी और हमारी टीम, दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया था। हमारी सर्विलांस की टीम ने भी सभी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के महोदय से इनाम की घोषणा भी इसमें की। आरोपियों को आपराधिक इतिहास है? अभी इनका तत्कालिक आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, हम लोग तलाश कर रहे हैं और इनके जो अन्य साथी हैं उनसे बातचीत की। कितने पढ़े लिखे हैं ये पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।